वेलकम बैक एवरीवन ये सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर सेवन होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेवन समझने के लिए आपको ऊपर के छः क्वेश्चन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए रीजन जब हम लोग कोई बुक पढ़ रहे होते हैं ना बचे लोग तो जरूरी नहीं कि वो उस बुक में ना प्रॉपर ऑर्डर में कन्वे करें बुक में क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन वो ऑर्डर मेनटेन नहीं करते कौन सा ऑर्डर जिसमें हम लोग को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कन्वे हों मैं जो सीरीज बना रहा हूँ ना लेक्चर्स की इसमें इस वाली बात का एकदम ख्याल रख रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स ही सुनना है क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन ही सुनना है जिससे कंसेप्ट बिल्डअप हो पाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैंने ब्यूटिफुल लेवल ऑफ़ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए आप उसे बिल्कुल देखो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन, तीन बार देखो तो समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से तो एक ऑर्डर में चल रहा हूँ मैं तो उस ऑर्डर को आप मेंटेन रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन सिर्फ तब आएगा जब क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको पता होगा सिक्स तब आएगा जब फाइव आपको पता होगा मैं उस ऑर्डर में चल रहा हूं मैं सभी बार ख्याल रख रहा हूँ आपको थ्री के बाद फोर ही सुनना है 4 के बाद फाइव ही सुनना है ताकि आपका हो सके क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है 7 कहता है हाउ मैनी थ्री डिजिट हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल numbers are possible between 100 to 1000 including 100 including 100 which are which are divisible by which are divisible by अब यहाँ से इसमें मैं केसेस डालने वाला हूँ एक बार क्वेश्चन पूरा आपके लिए पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद केसेस में, में मेंशन करूँगा हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर पॉसिबल बिटवीन हंड्रेड टू थाउजेंड इंक्लूडिंग हंड्रेड मैंशनड है वो क्वेश्चन में विच आर डिविजिबल बाय ठीक है विच आर डिविजिबल बाय अब मैं लेने वाला हूँ उसके लिए केस नंबर ए ये पहला केस है इस क्वेश्चन का पहला केस है डिविजिबल बाय टू ये बन गया क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार से सुन लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि सौ से लेकर हजार के बीच में जिसमें सौ शामिल है तीन अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं पॉसिबल हैं जो कि दो से डिविजिबल हो? क्वेश्चन आ गया समझ में तो इसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए एक बार अप्रोच सुन लेते हैं अप्रोच ये होना चाहिए कि जैसा आपने ऊपर के छह क्वेश्चन में सुना होगा पहले एक बार वो लगा के बता देता हूँ थ्री डिजिट नंबर चाहिए मेरे को तो इसलिए मैंने तीन स्पेस क्रिएट कर दिए ठीक है तीन डिजिट नंबर चाहिए तीन स्पेस क्रिएट कर दिया दो से डिवाइड होना चाहिए क्वेश्चन की कंडीशन है तो मैंने कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन को हिट करो क्वेश्चन चाहता है कि नंबर दो से डिविजिबल हो तो कोई भी नंबर दो से डिविजिबल होगा सिर्फ तब जब उसका यूनिट प्लेस दो से डिविजिबल होगा मतलब ये है कि यूनिट प्लेस पर जीरो टू फोर सिक्स या एट में से कोई नंबर होना चाहिए अगर यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई हुआ तो वो नंबर हमेशा दो से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यूनिट प्लेस पर कितने तरीकों से नंबर पुट कर सकता हूँ भाई पांच तरीकों से नंबर पुट कर सकता हूँ बाकी इस वाली जगह पर कुछ भी आता रहे मेंशन नहीं है इसलिए जीरो टू नाइन पूरा सेट ले लिया कहा नहीं है इसलिए रिपोटेशन भी वैलिड रहता है बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था तो जीरो टू नाइन में आप कोई भी नंबर ले सकते हो तो कितने नंबर होते हैं मैं जीरो टू नाइन में दस नंबर होते हैं इसलिए मैंने टेन लिख दिया यहाँ भी जीरो टू नाइन में कोई भी ले सकते हो रिपीटेशन अलाउड है बाय डिफॉल्ट अलाउड रहता है लेकिन क्या नहीं ले सकता मैं जीरो नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकते सर क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो आ गया तो वो तीन डिजिट का नहीं दो डिजिट का हो जाएगा इसके ऊपर वाली सीरीज में मैंने ये वाली बात कन्वे की है

इतना आंसर देखो मेरा ख्याल है कि अगर आपने ऊपर के छह लाख क्वेश्चन जो है मुझसे सीखे होंगे तो इस सातु में आपको कोई कष्ट नहीं आना चाहिए ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आने का मतलब ये है कि आपने ध्यान दिया चलो शाबाश गुड अब ये सही तरीका है कोई गलती नहीं इसमें लेकिन जैसे ही ना मैं ना केस को थोड़ा सा बढ़ाता हूं जैसे मैं केस बी में जाता हूं और यहां पे लिखा था बाय टू अब मैं क्वेश्चन में डाल रहा हूं बाय थ्री तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है आप ये सुनो

अगर आपने करने की कोशिश करी तो खुद सोचो एक बार क्या होगा आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से दिमाग लगाना मैंने आपको हिंट दे दिया ना वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ और फिर वापस आओ इस इसपे अब मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगा कर आइए सुनिए जरा डिजिट रूल होता है थ्री का कि साउंड डिजिट शुड बी डिजल्व बाय थ्री तो अगर आपने साउंड डिजिट शुड बी डिजल्व बाय थ्री करने के बारे में सोचा तो ऐसे तो कितने सारे केसेस होंगे ना जिसमें जो थ्री जो किसी भी नंबर का जो डिजिट का जो सम होगा तीन से डिवाइड होता होगा फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ टू होगा और लेट से थ्री होगा और वन होगा अब टू थर्टी वन ये मैंने नंबर लिखा है नंबर इज दो सौ इकतीस टू थर्टी वन ऐसा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट टू प्लस थ्री प्लस फाइव सिक्स होता है और सिक्स थ्री से डिवाइड होता है तो टू थर्टी वन एक पॉसिबल नंबर है तो अगर मैंने ऐसे ही सोचना शुरू किया तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे मैं कितना ही सोचते रहूंगा इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये वाला अप्रोच मैंने अभी दो से जस्ट एक बड़े नंबर तीन के लिए लगाया तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस होंगे फिर चार के लिए केसेस होंगे फिर पाँच के लिए केसेस होंगे फिर छः के लिए केसेस होंगे तो ऐसे में कितने सारे केसेस सोचता रहूँगा मतलब अगर डिविजन बाय थ्री किया तो केसेस बनेंगे डिविजन फोर किया तो केसेस बनेंगे डिवीजल फाइव किया तो केसेस बनेंगे तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम सेक्शन में केसेस बनते हैं तो वो केसेस में कितने सारे पेपर में सोचते रहूँगा इतना टाइम थोड़ी होगा मेरे पास पेपर में एप टी हमारे नॉलेज का टेस्ट थोड़ी होता है वो तो हमारे स्पीड का टेस्ट होता है ना तो बट माई पॉइंट इज तरीका एकदम सही आंसर एकदम सही लेकिन जस्ट उससे एक बड़ा नंबर आ जाता है ना तो फिर केसेस सोचने पड़ते हैं काम लेंदी हो जाता है और एप टी हमारे स्पीड हमारे नॉलेज का नहीं हमारे स्पीड का टेस्ट होता है विच मीन्स कि मैं ये तो नहीं कर सकता मतलब मैं केसेस तो नहीं सोच सकता पेपर में समय नहीं होगा ना तो मुझे एक अल्टरनेट मेथड चाहिए तो मैं अब आपको ऊपर के छः क्वेश्चन कन्वे करने के बाद सातवें क्वेश्चन में इसकी बॉटम लाइन देने वाला हूँ। आपको थोड़ा इतमान से सीखना है तो आपको क्या कन्वे करने वाले रीजन क्योंकि मेरे पास पेपर में इतना समय नहीं होगा क्या करना जब भी पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या करना हंड्रेड टू थाउजेंड है लिमिट देखना बस आप अभी लिमिट है आपके पास हंड्रेड टू थाउजेंड ठीक है लिमिट पेपर में कुछ भी हो सकती है सौ से लेकर एक हज़ार तो अभी गिवन है सौ से लेकर दो हजार दो हज़ार से लेकर पाँच हजार लिमिट कुछ भी हो सकती है तो मैं क्या ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिट को देखना लिमिट जो भी पेपर में गिवन हो तो जो भी लिमिट गिवन होगी आप क्या कीजिएगा आप उस लिमिट में देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने पॉसिबल टर्म्स हैं तो वो कैसे निकलता है हालांकि जब मैं अभी फ्यूचर में आपको ए पी जी पी अरेथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं सो तो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाऊंगा लेकिन अभी आप ऐसे रैंडम देख लीजिए क्योंकि इसमें हंड्रेड शामिल है तो अपन ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हैं कि हंड्रेड 100 और थाउजेंड में हंड्रेड थाउजेंड माइनस हंड्रेड कितने टर्म्स है भाई नौ सौ नंबर है सौ से लेकर हज़ार में नौ सौ नंबर है Got it? There are 900 numbers. और क्योंकि मेरे को वो टू से डिविजल चाहिए इसलिए मैंने कर दिया डि अगर को थ्री से डिविजल चाहिए होता तो सौ से लेकर हजार में जो नौ सौ नंबर होते मैं उसको करता डिवाइड बाई थ्री समझो कि डिवाइड बाई क्या हो रहा है अगर मान लिया वो मतलब सी लिख रहा हूँ यहाँ पर अगर वो कहता कि मेरे को डिविजल बाय फाइव चाहिए तो मैं वही सेम काम करता थाउजेंड माइनस हंड्रेड विच इज नाइन हंड्रेड और क्योंकि डिजिबल है फाइव चाहिए इसलिए करता डिवाइड बाई फाइव बात समझ रहे हैं पर? तो जिससे भी वो डिवाइड करने के लिए बोले आप उन दोनों को माइनस करो और उसे डिवाइड करवा दो तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करवाते हो देखो क्या आता है फोर फिफ्टी आप वीडियो रिवाइंड करके देखो इसके पहले जो मैंने बेसिक मैथड से बनाया था मतलब तो इसके पहले वाले मैथड से तो उसका आंसर फोर आया था कि नहीं आया था तो अभी इससे क्या हुआ इससे थोड़ा फटाक से आ गया ना आपका समय बच गया ना उसमें इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई थ्री हंड्रेड इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई वन एटी कंटेंट आ रहा है समझ में और इन केस मान लिया अगर उसने कहा होता ये मैं लिख रहा हूँ केस नंबर डी बाय सेवन अगर उसने कहा होता बाय सेवन तो स्टाइल वही रहता थाउजेंड माइनस हंड्रेड विच इज नाइन हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन उसको मैं सेवन से काटता हूँ तो जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कैसा डिवाइड होता है सेवन वन जाए सेवन ठीक है अब आ, ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा टू तो हो जाएगा इज एट टाइम्स में तो वन ट्वेंटी एट ऐसे नंबर हो जाएंगे ठीक है और सर वो जो पॉइंट में आ रहा है हालांकि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आएगा तो जो पॉइंट में आएगा ना उसको अपने को काउंट करने की जरूरत नहीं होती है काउंट करने की जरूरत क्यों नहीं होती है क्योंकि पॉइंट में इसीलिए ये वो नंबर थे जो उससे नहीं कटे तो जो नंबर उससे डिवाइड नहीं हुए तो वो मेरे को नहीं चाहिए ना। मेरे को तो वही थे अट्ठाइस तो तो ऐसे नंबर है तो ये जरा एक बार आप मैथड इतमान से देख लो यहां तक कम्फर्टेबल अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा सोचना है फिर इसका सोल्यूशन आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा केस नंबर सी केस नंबर ई सॉरी आपको यह सोचना है ऐसे कितने नंबर होंगे हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर पॉसिबल बिटवीन हंड्रेड टू थाउजेंड इंक्लूडिंग हंड्रेड विच आर डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय फाइव जरा इतमान से क्वेश्चन देख लीजिएगा वो तीन से डिवाइड होना चाहिए लेकिन वो पांच से डिवाइड नहीं होना चाहिए आगे बात पकड़ में आप इस वाले क्वेश्चन को सोचेंगे अभी और जैसे ही आप इसका आंसर निकालें उसे कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल मैंशन कीजिए मैं देख रहा हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में किस तरीके से आंसर लिखे हुए नेक्स्ट वाले वीडियो पर आप इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और एट द सेम टाइम आप नए लेवल के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वाले वीडियो पर देखेंगे इतमान से इसे देख लो उसे अटेम्प्ट करो मिलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में